नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति में तमाम नेताओं के बदलते बयान, ये स्पष्ट रूप से इस बात के संकेत दे रहा है कि आने वाले वक्त में बिहार में किसी भी राजनीतिक दल का यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना नामुमकिन नजर आ रहा। सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हुई। नीतीश कुमार जो कि पिछले 20 सालों से बिहार के लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं और बार बार वो तख्तापलट करने में भी माहिर खिलाड़ी के रूप में यहाँ राजनीति करते हैं, तो ऐसे में आने वाले वक्त में नीतीश कुमार का क्या राजनीतिक रुख रहेगा? क्या वह परिवर्तन यहाँ पर सत्ता का करते हुए नजर आएंगे या फिर कोई और बड़ा खेल यहाँ पर देखने को मिलेगा? तो इस पर बड़ा खुलासा तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी को किनारा कर देंगे, यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि चाचा हमारे साथ सरकार बनाने को तैयार है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की पटना में मीटिंग हुई। उस बैठक के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या वाकई नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं। हालांकि इस वक्त देखा जाए तो नीतीश कुमार एनडीए सरकार में केंद्र में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और उनकी पार्टी के यहाँ पर सहयोग के साथ ही केंद्र सरकार चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार यदि ये कदम उठाएंगे तो आखिरकार फिर क्या बीजेपी की सरकार धराशाही होती हुई नजर आएगी? नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जिस तरीके से जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर पहुंचे और उनकी मौजूदगी में कहा कि पिछले वक्त मुझसे गलतियां हुई, आगे आने वाले वक्त में मैं कोई गलतियां नहीं करना चाहता हूं और इसीलिए मैंने ये कड़े फैसले उठाए हैं। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए न सिर्फ बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं बल्कि नीतीश कुमार भी यहां पर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदरूनी कलह से ही जूझते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा जीतने राम मांझी ने जिस तरीके का बयान दिया है, उनका कहना है कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आ रही है। दूसरी तरफ जेडीयू के तमाम नेता एक दूसरे पर पार्टी के अंदर ही यहां पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए तमाम नेता सुरक्षित स्थान की तलाश में जुटे हुए हैं और आगामी वक्त में बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे पर तेजस्वी यादव क्या बीजेपी को बिहार में घेर पाएंगे या फिर नीतीश कुमार एनडीए के समर्थन के साथ एक बार फिर से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।